नमस्कार किसान भाई, किसान भाई आज के वीडियो में बताता हूँ नीजू वेदू का सिमसिम नरमा बिजने का क्या फायदा है। वैसे तो मार्केट में काफी सारी वैरायटी हैं और बहुत सी वैरायटी हैं जो कि हमारे मार्केट में आ रखी है, हद से ज्यादा वैरायटी है। एक ही कंपनी की 10-10 वैरायटी भी आपको देखने मिल जाएगी। बट जो नीजू वेदू उसके सिमसिम का क्या खासियत है दोस्तों, नीजू वेदू भी कॉटन की और भी कई वैरायटियां बनाता है, ठीक है, बट नीजू वेदू की सिर्फ सिमसिम ही हद से ज्यादा मशहूर है। अगर कहने मतलब उदाहरण के तौर पर बताऊं, अगर सिमसिम के 100 पैकेट बिक रहे हैं तो और निजोवेद के सिमसिम के 100 पैकेट बिक रहे हैं, दूसरी वैरायटी के 10 भी नहीं बिक रहे होंगे टोटल। मतलब इतनी ज्यादा मशहूर है सिमसिम। सिमसिम वैरायटी की खासियत की बात करते हैं, सिमसिम की जो जड़ है, सिमसिम की जो जड़ है वो गहरी होती है। गहरी होने के कारण ये जल्दी सोखा नहीं बनाती, उस वजह से क्या फाड़ ज्यादा नहीं गिरती, प्रति पौधा ये टिंडे ज्यादा बनाती है। भी फाड़ तो दूसरे नरमे के जितने उठाती है, पर ये इसे मतलब कामयाब कर लेती है। दूसरे में फुलगट्टी ज्यादा गिरती है, इसमें कम गिरती है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी जड़ गहरी है, जड़ गहरी होने से ये सोखा नहीं बनाती, नमी के अंदर कमी नहीं आती, क्योंकि पानी की बारी तो दोस्तों टाइम पर ही आएगी। उससे अगर पहले पानी नहीं लगाया या फिर नहीं लगाया तो क्या फुलगट्टी गिर जाती है, सोखे में आ जाती है। तो ये दिक्कत सिमसिम में बहुत कम आती है। देखिए पूरा प्रॉपर ऐसा नहीं कहूंगा कि एक पौधे प्रति पौधे जितने फाड़ है सारे के सारे कंट्रोल करें, वह सारा नहीं करें, पर ज्यादा से ज्यादा ये फाड़ कंट्रोल कर पाती है। उस वजह से ये प्रति पौधा 100 से प्लस टिंडे बना लेती। इस वैरायटी को बिजनेस समय आपको दो तीन बातों का जरूर ध्यान रखना है। पहला, गोबर खाद डाल दे। दूसरा, ये बेनिफिट है इसकी आपको बिल्कुल पास पास में ना दीजिए, थोड़ी दूरी अच्छी बनाए, क्योंकि ये मतलब जिसे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं बूटा अच्छा मारती है, मतलब फैलावट अच्छी, हिंदी में बोले तो फैलावट बहुत देता है बूटा एक साइड। देखिए वैरायटी दो तरह की होती है, दो से तीन तरह की। एक वैरायटी होती है जो सीधे ऊपर की तरफ बढ़ती है, साइड में ज्यादा फ्लावट नहीं देती, ठीक है, जितना मैं मतलब इतनी फ्लावट देती है। कई वैरायटी होती है जो फ्लावट ज्यादा देती है, हाइट कम लेती है, और कई वैरायटी फ्लावट भी लेती है और हाइट भी लेती है। ये सिमसिम उस तीसरी वैरायटी में आती है कि जो फैलावट भी ले रही है, हाइट भी ले रही है। कद भी इसका अपने जो मतलब मान लीजिए 7-8 फुट बस आप दिखेंगे नहीं। और जो फैलावट की बात करें तो फैलावट भी आपकी काफी ज्यादा, आप इतना हाथ खोलते हो उतने से ज्यादा भी ये पौधा फैलावट ले लेता है। उसी वजह से ये प्रति पौधा टिंडे ज्यादा बनाता है। ज्यादा पास में ना बीजिए, मीडियम करें, ज्यादा दूर भी ना बीजिए, ज्यादा पास में ना बीजिए, मीडियम साइज में बीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा पैदावार मिल पाए। टिंडे का साइज बड़ा होता है, उस वजह से भी क्या नरमे वेट अच्छा रहता है, वेट अच्छा रहता है तो उससे अपने पैदावार बढ़ती है। नरमा दो तरह से आपने देखा होगा, कभी भी नरमे वाले कंपैरिजन करना हो दो वैरायटी का, दोनों वैरायटियां ले, दोनों को बराबर टिंडा नरमा चुगे, हाथ में भी लेके तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, हाथ में भी लेके तो आपको वजन में फर्क दिखेगा। एक नरमा है जो कि थोड़ा सा हैवी महसूस होगा, एक हल्का होगा। अगर वैसा नहीं है, नरमे के अंदर जो अपने बीज होता है उसको तोड़ के देख लीजिए, तब भी आपको जो बीज बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा। और एक जो काफी थोड़ा सा हार्ड होगा, हार्ड होगा उसमें वजन होगा, उसकी परतें मोटी ज्यादा होती है, उसी वजह से उसमें वेट अच्छा रहता है। वही फायदा है निजू वेदू के सिमसिम में कि वो वेट अच्छा दे पाता है आपको, उस वजह से पैदावार बढ़ती है, प्रति पौधा अपने टिंडे ज्यादा दे पाता है। थोड़ा सा इतना इसमें एक एनपीके स्प्रे करनी पड़ती है, एक दो स्प्रे करते हैं सही समय पर तो आपको अच्छी पैदावार मिल पाएगी। बाकी मैं आपको इस वीडियो चैनल पर आगे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा कि किस समय कौन सी स्प्रे करनी है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चल पाए। मैं आपको बताऊंगा कि लेनो की स्प्रे कम करनी है, लेनो के अंदर कौन सी प्रोक्लेन मिलानी है, गिटारा मिलानी है और क्या मिलानी है, चमत्कार स्प्रे का क्या फायदा, तो मतलब काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और आगे बता भी रखी है, तो विजिट भी कर सकते हैं, चैनल देख सकते हैं। उसके नरमे के अंदर मैंने नरमे वाले सीजन में आसे पे पीछे जाइए, 6 महीने पहले देखिए या फिर 4-5 महीने पहले देखिए, मैंने काफी सारी वैरायटियां के एक्सप्लेन भी किया है, कंपैरिजन भी किया है, आज भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नरमे की, अगर आप खेती करते हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।